नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने एक ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें कि हम आपको आज बेसिक मिक्सिंग की टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो इस बेसिक टेक्निक्स में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास रिदम है। ये रिदम के आपके ये चार ट्रैक हैं रिदम के, और ये वोकल के दो ट्रैक हैं, और एक ये वॉइस ओवर है। तो हम इसको एक बेसिक, बहुत ही बेसिक मिक्सिंग करेंगे इसमें, जिसमें कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक मिक्सिंग में हम क्या क्या आपके टेक्निक अपनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गाना है, हर कदम कदम हर दम पर दम हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अब। तो ये आपका ट्रैक है, इसमें हम कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले तो हम ईक्यू करते हैं अपने रिदम के ट्रैक को, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे पी से और इसको कर देंगे लूप में प्ले। चले चले अब हम इसको करते हैं मंजिल, चले चले अपनी मंजिल और चले चले 1 2 3 4। अब हम इसको ईक्यू करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी जो ढोलक है रिदम कहाँ पे अच्छी लग रही है, सुनते हैं। और चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी। ये यहाँ पे अच्छी लग रही है। और चले चले अपनी मंजिल और चले चले ये इसका है दूसरा मंजिल क्यू हम थोड़ा कम करें। चले अपनी मंजिल थोड़ा सा इसका जो प्रकर्शन है मंजिल करते हैं। चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी मंजिल और चले चले अपनी मंजिल। ये है थर्ड बैंड का क्यू थोड़ा कम करते हैं। अपनी मंजिल और चले सही है। अपनी मंजिल ये हो गया। चले अपनी अब हम इस वाले को करते हैं ईक्यू। बाय डिफॉल्ट इसको करते हैं पहले हम रीसेट। रीसेट करते ही अब हम करेंगे इसको ईक्यू। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड सुनेंगे कहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ सुनाई दे रहा है तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये है सेकंड बैंड और एक इसका थर्ड बैंड का देखते हैं। थर्ड बैंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर इसके लिए हम वाली सेटिंग रखते हैं, और इस वाले ट्रैक के लिए हम इसको हम लूप में प्ले कर देंगे। मार्कस लगाएंगे पी। इसको हम करेंगे पहले रीसेट। आप सुनते हैं कि ये कहां से लगेगा। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, सेकंड बैंड यहां पे आया बाया मस्त निकल के। तो बाएं क्यों हम रखते हैं यहाँ पे। बढ़िया। अब इसकी चाटी है बढ़िया, यहाँ पे आ रही है बढ़िया, सही है। अब ये इसका जो है चौथा वाला है हमारा चेंज ओवर, इसको हम पीछे सेलेक्ट करके इसको हम करते हैं लूप। इसको हम करते हैं पहले। अब हम इसमें देखते हैं कि सुनाई कहाँ चल रहा है। ये है इसके एक्चुअली मिड्स, ये है तीसरा। यहाँ सुनाई दे रहा है। यह है थर्ड बैंड का
ओके, तो ये हो गई हमारी रिदम इक्वलाइज हुई है दोस्तों। अभी रिदम का हम एक काम करते हैं, एक ग्रुप चैनल बनाते हैं। ग्रुप चैनल बनाएंगे हम, इसमें लिखेंगे रिदम आउट, RHYOUT। तो ये होगी हमारी रिदम आउट। अब हम क्या करेंगे, रिदम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, इन चारों को यहाँ पे कर देंगे ग्रुप रिदम आउट। ठीक है, ये देखते हैं अब हम। ये हो गया हमारा स्टीरियो 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 स्टीरियो, ये रिदम है। ये इसको भी कर देते हैं रिदम आउट, थर्ड को भी कर देते हैं रिदम आउट ग्रुप, इसको भी कर देते हैं ग्रुप रिदम आउट। अब ये आ गए हमारे रिदम आउट। इसमें वोकल हम कर रहे हैं अभी म्यूट, ये आ गया इसमें। इसका इक्वलाइजर भी जो है हम बाय डिफॉल्ट रिसेट करते हैं। इसमें लगाते हैं अब एक कंप्रेसर, ये आ गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर को ऑटो करते हैं बंद। कंप्रेसर भी इसमें लग चुका है दोस्तों, और अपना ये भी लग चुका है। अब हम मिक्स करते हैं आपका वोकल्स मिक्स करते हैं। तो वोकल्स मिक्स करने के लिए हम सबसे पहले इनको करते हैं इक्वलाइज करते हैं इनको। सबसे पहले सोलो पे डालते हैं, लूप में डालते हैं और करते हैं प्ले, और इनको करते हैं हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ। रिसर्च करने के बाद हम इसमें डालते हैं विश्वास, सुनते हैं कहां लग रही आवाज सही। बोलो बोलो बोलो। हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले, एक फौलादी विश्वास लिए। एक बार फिर सुनते हैं आप। हम चले चले एकदम क्रिस्पी साउंड आनी चाहिए। और देश हमारे साथ चले, एक फौलादी विश्वास लिए। यहाँ सही है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेम इसमें भी यही डाल देंगे इफेक्ट पेस्ट। ये आ गया हमारा इफेक्ट यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, एक खोलते हैं इफेक्ट चैनल खोलते हैं, इसमें डालते हैं हम अपना रिवर्ब। रिवर्ब डालते हैं इसमें ऐड, और रिवर्ब को डालते हैं बढ़िया सा हॉल चर्च वाला ही। ठीक है, ये आ गया आपका रिवर्ब। और एक डालते हैं अपना इसमें डालेंगे डिले, पिंग पोंग डिले डालते हैं इसमें। ठीक है, ये आ गया अपना डिले 1/1 का, ये ठीक है। अब अपना रिवर्ब जो है हम वोकल्स में डालते हैं सेंट्स में। यहाँ से ये आ गया आपका, ये आ गया रिवर्ब। रिवर्ब को ऑन कर देते हैं, इसमें डालते हैं हम पिंग पोंग डिले। डिले भी कर देते हैं ऑन। अब सुनते हैं एक बार, एक हम बनाते हैं ग्रुप आउट में ही वोकल्स, वोकल आउट। ये हमारे हो गया रिदम आउट, ये हो गया वोकल आउट। वोकल आउट इनका आउटपुट भी हम वोकल आउट कर देते हैं। स्टीरियो आउट है ना अभी, तो ये वोकल आउट कर देते हैं इसको, और इसको भी कर देते हैं हम वोकल आउट। तो हमारे रिदम का बन गया है एक रिदम आउट, और हमारे वोकल का बन गया है एक वोकल आउट। ठीक है, अब हम वोकल आउट जो जा रहा है इसमें डालेंगे एक, ताकि ये फटे ना, इसके लिए एक कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम ट्यून कर देते हैं थोड़ा सा लूप हटा के। चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले, करते हैं बंद। एक फौलादी विश्वास लिए, इस मिट्टी के हर कतरे में पानी
तो ये हमने इसमें डाल दिया है रिवर्ब, थोड़ा सा अब इसको ट्यून कर लेते हैं मिक्सर में जाके, डिले करते हैं बंद, ये हमारा इफेक्ट है। हर कदम कदम हर दम पर दम हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के हर कतरे में पानी में इन फसलों में ये गगन चूमती। अच्छा इसमें हमने डाल दिया है, अब हम डालते हैं इसको इस वोकल में भी, ठीक है। सोकल में डाल के इसमें डालते हैं रूम वर्क्स और इसमें डालते हैं आपका डिले, ऑन कर देते हैं, सुनते हैं। कदम कदम हर दम पर दम अब हम डिले भी ऑन करते हैं, ये डिले का ट्रैक है। सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के हर कतरे में पानी के। अब हम दोस्तों इसमें जो हमने डिले डाला हुआ है, डिले हम चाहते हैं कि डिले सिर्फ लास्ट में आए टेल में, उससे पहले ना आए, तो हम इसको करेंगे रीड एंड राइट और इसको हम कर देंगे ऑन ऑफ कर देते हैं इसको, ये यहाँ तक इस तरीके से सुनते हैं इसको। दम पर दम हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले, ठीक है। ये इसमें से थोड़ा सा हमें इसको इसको करना पड़ेगा फोर। अब हम सुनते हैं डिले का इफेक्ट कैसे आ रहा है। पास चले हम चले चले अपनी मंजिल और दम पर दम हर सांस सांस विश्वास चले हर सांस सांस विश्वास चले पास चले यहां से चाहिए हमें, तो हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं इधर से यहाँ तक। अब सुनते हैं सांस सांस विश्वास चले इसको करते हैं वन बाय वन हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अपनी मंजिल सांस सांस विश्वास चले हम चले चले सही है ना। वैसे ही अब हम इसको यहाँ पे डालते हैं एक फौलादी विश्वास लिए, वैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ पे है जगह, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे है लास्ट में। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। ज़ीरो तक रखना है हमें, ये आपका ज़ीरो तक रहना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो एक चला गया, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। आप सुनते हैं इसको थोड़ा सा, इस वाले में भी रख सकते हैं, नहीं ये ओवरलैप हो रहा है इस वाले में नहीं। कदम कदम हर दम पर दम हर सांस ये हमारा डिले का है। चले हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। एक फौलादी
विश्वास एक फौलादी विश्वनाथ चले एक फौलादी विश्वास इस मिट्टी के। ये थोड़ा सा मैं इसका ये हमारा खुल गया है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। फीडबैक 0, मिक्स हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। अब सुनते हैं। एक फौलादी विश्वास लिए इसको बढ़ाते हैं, फीडबैक थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के। एक फौलादी विश्वास लिए यहाँ से डालते हैं इसको। एक्चुअली एक फौलादी विश्वास लिए से रिपीटेशन विश्वास लिए यहाँ से फेड आउट हो जाएगा। एक फौलादी विश्वास लिए इस और इसकी आस रहेगी यहाँ तक। इन दोनों करते हैं डिलीट, ये यहाँ तक। देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के हर कतरे। देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस। तो हम दोस्तों पिंग पोंग डिले की जगह पे यूज करते हैं अपना दूसरा डिले जो कि है मोनो डिले। मोनो डिले यूज करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी। ये ठीक है, उससे बेटर है। तो एक बार सुनते हैं यहाँ से। हर दम पर दम हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अपनी मंजिल और देश हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के हर कतरे में पानी में इन डले चले ये फौलादी विश्वास लिए। देश की हर धड़कन में बसता है स्पार्क। फीडबैक थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसका। सुनते हैं। चले चले ये फौलादी विश्वास लिए देश की हर धड़कन में बसता है स्पार्क। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक मिक्सिंग जिसमें कि हमने जाना कि रिदम को हम कैसे इक्वलाइज करते हैं, EQ किस तरीके से करते हैं जहाँ पे कि वो अच्छा हमें फाइन ट्यून सुनाई दे। दूसरा हमारे वोकल्स को हम किस तरीके से इक्वलाइज करते हैं और इसमें हम कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं रिवर्ब का और आपका पिंग पोंग डिले का। देखिए हम एक बार रिवर्ब के साथ सुनते हैं, एक बार विदाउट रिवर्ब सुनते हैं। ये मैं रिवर्ब जो चैनल है इसके एक बार आपको इसको छोटा कर देता हूँ ट्रैक। अब मैं एक बार इसका रिवर्ब और डिले दोनों बंद कर देता हूँ, इसके विदाउट सुनिए आप। हर कदम कदम ये देखिए ये ड्राई वॉइस हमें सुनाई दे रही है। दम पर दम अब अगर मैं रिवर्ब ऑन करूँ हर सांस सांस विश्वास चले हम चले चले अपनी मंजिल। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। हमारे साथ चले एक फौलादी विश्वास लिए इस मिट्टी के हर कतरे में पानी में इन फसलों में ये गगन। ये रिवर्ब के डिले के साथ डिले भी ऑन कर दिया है। हर
हर दम पर दम, हर सांस सांस विश्वास चले। ये हमारा रिदम आउट है, ये वोकल आउट है, ये रिवर्ब है और ये हमारा डिले है। चले चले अपनी मंजिल। दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी वॉइस ट्यून कहाँ पे अच्छी लग रही है। विश्वास इस मिट्टी के हर कतरे में, पानी में, इन फसलों में, ये गगन चूमती मारते, हर दिशा में जाती ये सड़कें, ये पुल और बांध, नदी नहरे, ये सागर के सीने पर जूं चलते हैं, चले ठहरे, एक फौलादी विश्वास लिए। हर काम काम हो, सुबह शाम, दिन रात रात, सूरज। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है बेसिक टेक्निक अपनी जो है मिक्सिंग की आप कर सकते हैं, जिसमें से कि आप रिदम को अलग से इक्वलाइज करके उसको ग्रुप आउट बना के, ये देखिए ये हमने, ये जो रिदम है इसकी, ये रिदम के चार ट्रैक हैं, इसको हमने क्या किया है, ये देखिए ये हमने लिया है रिदम आउट, इसकी रिदम आउट ले ली है, सेम वैसी रिदम टू की भी रिदम आउट ले ली है यहाँ पे, और रिदम थ्री की भी रिदम आउट, मतलब कि हमने ग्रुप बना के इसको एज ए एक एक हमने रिदम का एक अलग से ग्रुप बना लिया है, और वैसे ही हमने वोकल्स में भी किया है, वोकल्स का भी हमने जो है वोकल आउट ग्रुप बना के एक अलग से वोकल आउट इसमें बना दिया है, और हमने अलग से दो इफ़ेक्ट चैनल बनाए हैं, एक इफ़ेक्ट का और एक डिले का, और हमने वॉइस में अपनी सेंस के थ्रू अपने रिवर्ब और डिले आपने दे दिए हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक टेक्निक है कि आप किस तरीके से अपने मिक्सिंग कर सकते हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे। इसके बाद हम जो अगला सेशन कभी बनाएंगे तो उसमें हम मिक्सिंग के बारे में भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से कौन सा प्लगइन लगा के आप अपने मिक्स जो गाना है उसको आप मास्टर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल बहुत ही बेसिक, जिसमें हमने मिक्सिंग की टेक्निक्स आपको बताई हैं, रिदम कैसे आप इक्वलाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वोकल्स को आप किस तरीके से ग्रुप के थ्रू आउट दे सकते हैं, और आप इफ़ेक्ट में कैसे आप रिवर्ब और डिले का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा हमारा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, थैंक यू। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटे के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें।